आज हम बैठे हैं जी यहाँ पे हैर सुलेमान की से वापसी पे चमन रेस्टोरेंट पे। साथ में हमारे यहाँ जीएम साहब और वो सामने बैठे हैं जी। मुझे इंट्रोड्यूस करवाने का शुक्रिया रिजवान भाई। बहुत अच्छा है वो मौसम है जी, हवा चली हुई है, बहुत कमाल का यहाँ पे मौसम बना हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे हम कितना यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं कि आपकी सोच से भी ज़्यादा हम इंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल जी। तो आज का मौसम बहुत प्लेजेंट है और इसके साथ साथ हमारे पास बहुत ही अच्छे गेस्ट जो कि हमारे पास चाय पीने के लिए आए हैं और उनका मतलब कि हम तारफ करने जा रहे हैं और इस मौसम का क्रेडिट इनको जाता है। और साथ में बैठे हमारे बहुत ही मदद दोस्त और ये आपको बताएंगे कि कहां कहां से हम आ रहे हैं और एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन देंगे अपने रिलेटेड और ये जो इनके सीनियर हमारे जो टीचर हैं इनके रिलेटेड। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं जी। रिजवान भाई कैसे हैं जी? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आज इनका जो प्रोग्राम था घूमने का मौसम के हवाले से सरदान साहब का ये आइडिया था, इनकी जैसी उम्र के मुताबिक तजर्बा कहा जाए तो वो था। इनका कहना था कि आज हमारा जो मौसम है ना ये बिल्कुल इंजॉय करने का, और इंजॉय मौसम में ये है कि हम इंजॉय भी करेंगे और साथ में खाएंगे मच्छी। हम अपने इलाके के सबसे मशहूर मतलब कि जहाँ पर हमारी बहुत ही अच्छी मछली और ताज़ा मछली मतलब कि जहाँ पर मिलती है हम हैर सुलेमान की घूमने आए हैं। और वापसी में इनका ये चमन रेस्टोरेंट जो कि बहुत मशहूर है इस हवाले से भी वहाँ पर बैठे हैं कि हम यहाँ पर अच्छी चाय पी जाए और उसके बाद मज़ीद मौसम इंजॉय करते करते घर पहुँच जाए। बाकी इंशाल्लाह जीएम साहब आपको बताएंगे जी। तो इसके अलावा हमारे पास जीएम साहब हैं, ये आपको अपना इंट्रोडक्शन देंगे और साथ में मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि ये बैठे रिजवान भाई, इनका चाय पे काफ़ी मूड था जब हम फिश खा रहे थे और मेरा भी ऑब्वियसली कि मैं भी चाय का शौकीन हूँ। तो ये भाई साहब जो बैठे हैं ये मेरे हकम में ये चाहते थे कि बोतल पी जाए, तो हमने कहा कि आपको किसी ना किसी तरह वो हम बोतल पिलाएंगे ज़रूर पिलाएंगे, लेकिन एक दफ़ा क्योंकि थोड़ा सा सब्र रखें तो फिर ये भाई साहब बैठे हैं ये कहते कि बोतल पिलाई जाएगी। और इन्होंने क्या किया, इनके बहुत ही प्यारे कज़न है इधर, उनका एक आयरन स्टोर है उधर गए हैं ये लोग और जाने का मतलब तो आप समझ गए होंगे। वहाँ पे उन लोगों ने हमारी 6 लीटर 7 अप से मतलब के खिदमत की है और फिर भी हमने कोई ख़ास बोतल नहीं पी। ये भाई बैठे हैं और ये देखें अब्रे रहमत इनके बिल्कुल ऊपर आ चुका है। ये ऐसा मौसम तो अल्लाह किस्मत वालों को देता है जी। जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग जो है वो बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख सकते हैं हमारी हालत सफ़र कर कर के बहुत ही जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो चुकी है। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है जी और अभी भी मौसम की इस खूबसूरत जो है वो देखे भाई इसके जो सीन है आया क्या याद है। अभी हमारे साथ एक ट्रेजेडी हुई है जी, हम लोग यहाँ पे एक भाई साहब खड़े थे उनको हमने कह दिया कि हमें चाय जो है आप पिला दें। अभी हमें पता चला है कि वो बताते खुद जो है वो कस्टमर थे और अभी हमने लेके जाते हुए देखा तो हमें भी बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है। अब हम जो है दोबारा ऑर्डर लगाएंगे जी। तो माशाल्लाह मौसम देखे जी उतार दिया और हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और इस चमन रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी खासियत पता है क्या, यहाँ पे हर चीज़ आपको अच्छी मिलती है। देखिए जी खूबसूरत लोगों के साथ खूबसूरत मौसम का खूबसूरत मंजर। आज हम बैठे हैं जी मैक्लोडगंज से आगे चमन रेस्टोरेंट पे, जो कि रमज़ान साहब का कहना है कि यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, लेकिन हकीकत की बात है 5 मिनट हो गए हमें कोई पूछने तक नहीं आया। तो अच्छी चीज़ें तो मुश्किल से मिलती है, तो आप वेदर तो देखिए ना। असल में जब भी हमने रमज़ान साहब की बात मानी है हमेशा नुकसान ही खाया है, तो आज भी उसी का
जो है सर ये देखते वेदर कैसा है ये तो। नहीं वेदर की बात की जाए तो वो तो बहुत प्यार है, ये तो बात मानने वाली। मौसम तो वाकई में बहुत माशाल्लाह जी। तो हम जो है यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत पेट्रोल पंप है जी, यहाँ पे मौजूद हैं। और इस साइड पे अगर आप देखें तो बहुत ही प्यारी मस्जिद है, ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे, बहुत ही प्यारी मस्जिद है जी। हम यहाँ पे खड़े हुए हैं।